कोरोना की महामारी से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन का फिलहाल तीसरा चरण जारी है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को प्रदेश सरकारें वापस भेजने की दिशा में पूरी तरीके से सक्रिय है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी दूसरे प्रदेशों के प्रवासियों को वापस भेजने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत जयपुर में फंसे करीब 2500 यूपी बिहार के प्रवासियों को भेजा जा रहा है। मजदूरों को ट्रेन के जरिए भेजने से पहले उनका पूरा ब्यौरा लिया गया और साथ ही में मेडिकल टेस्ट भी करवाए गए। राजस्थान में फंसे श्रमिकों को यहाँ से भेजने के लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते आज करीब 2500 मजदूरों को यूपी और बिहार भेजा जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, जो मजदूर हैं वो यहाँ से भेजे जा रहे हैं। करीब 2500 जो मजदूर हैं उनको यहाँ से यूपी और बिहार के लिए दो ट्रेनों से भेजा जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सभी की मेडिकल जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ कुछ मजदूर यहाँ बाहर भी रुके हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या क्या कुछ परेशानी देख रहे हैं, क्यों आप अंदर नहीं जा पा रहे? विकलांग आदमी सर, हमें स्टेशन पे जाने देते, फोन आया घर जाने के लिए, नंबर एक घंटा रोज धूप में रेता पे खड़ा कर दिया है, फिर भी बस छोड़ दिया है। मैं टेम्पू से आया अपना रिजर्व से, विकलांग आदमी हूँ, फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं दे रहा है। बहुत इमरजेंसी है यहाँ पे, हम लोग बड़ी मुसीबत में है, दोबारा राजस्थान नहीं आएंगे। हम लोग मजदूर आदमी है, विकलांग आदमी है। कहीं ना कहीं मजदूर परेशान दिख रहे हैं, कुछ और लोग हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी का सामना आप कर रहे हैं, क्यों नहीं? मेरा आदमी गया हुआ, मेरा सामान भी उसमें चला गया, दवाई उवा भी था उसी में, बस छूट गया मेरा। मैं अभी ऑटो से आया हूँ, अब अंदर जाने नहीं दे रहा। बोला वो आदमी को फोन कर, फोन किए हैं तो वो लाइन में लगे हुए हैं सर। बिल्कुल, यदि देखा जाए तो कुछ मजदूर भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो किसी की बस छूट गई थी या किसी कुछ ना कुछ जो पेपर वर्क के चलते कुछ मजदूरों को पुलिस वालों ने बाहर भी रोका हुआ है, जिनके चलते अधिकारियों को बाहर गेट पर बुलाया गया है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन भी काफी जरूरी चीज है, जिसको करना बहुत जरूरी है कि किन मजदूरों का जो वेरिफिकेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि यदि राजस्थान सरकार की बात करी जाए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते करीब आज 2500 मजदूरों को बिहार और यूपी भेजा जा रहा है दो ट्रेनों के जरिए। मैं कैमरा पर्सन नेमीचंद पांचाल के साथ ऋषभ पांडे, एवल टीवी न्यूज, जयपुर।